नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सबसे ज्यादा अहम और आज चौथा चरण, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। भारी संख्या में मतदाता घरों से निकल रहे हैं अपनी सरकार बनाने के लिए। उसके बाद अगर बात की जाए तो 9 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। भारी संख्या में लोग निकल रहे हैं अलग अलग जगह से। तमाम जो रिपोर्टर्स हैं मेरे सहयोगी, वो मौके पर बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की कवरेज भी लगातार बरकरार है, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और किस तरह के हालात हैं, मतदाताओं में किस तरह का रुझान है, किस तरह का उत्साह है, वो भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन जिलों में और इन विधानसभाओं में किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदाता मतदान कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का चौथा चरण, जिसकी पूरी तैयारियां कर ली गई थी और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती भी की हुई है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी भी रखी जा रही है। आपको बता दें कि एक और जो अहम बात है कि आज करहल की एक विधानसभा पर एक बार फिर से मतदान होना है। 20 फरवरी को यहां मतदान हुआ था, लेकिन वहां का वीडियो एक वायरल हुआ था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया चुनाव आयोग द्वारा कि वहां पर अब दोबारा से आज पुनः मतदान होगा। तो उस पर भी नजर बनी हुई है कि करहल अपने आप में बहुत ज्यादा हॉट सीट है, क्योंकि खुद यहां पर अखिलेश यादव जो है वो चुनावी मैदान में है। वहीं उनके सामने कांटे की टक्कर देने के लिए एसपी भगैल, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो भी मैदान में लगातार बने हुए हैं। तो चौथे चरण के लिए सोमवार को ही जो चुनाव प्रचार था वो थम गया था। ऐसे में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सबसे ज्यादा जो हॉट जिला है वो है लखीमपुर खीरी, जहां पर आज सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। इसके अलावा सीतापुर, हरदोई, उन्नाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्नाव में जो घटना घटी थी उसको हर किसी ने देखा, देश भर में उसकी चर्चा हुई और विपक्ष लगातार इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार को घेरता हुआ आया है। लखनऊ, प्रदेश की राजधानी में भी आज मतदान होना है। रायबरेली बहुत ज्यादा हॉट सीट। उसके अलावा बांदा, फतेहपुर जिलों की कुल 59 विधानसभा सीटों पर मतदान आज हो रहा है। तो इसमें उम्मीदवार 624 मैदान में हैं, बड़ी संख्या है। ऐसे में हर एक जगह से जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करें, उससे पहले कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे जो कि मतदान केंद्रों से सामने आ रही है। ये देखिए, भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और यहां पर मतदान कर रहे हैं। तो 59 सीटों पर मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। और लखीमपुर खीरी से मेरे सहयोगी किशन निषाद मेरे साथ जुड़ गए हैं, वहीं लखनऊ से हिमांशु गर्ग भी मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले लखनऊ का मैं रुख करूंगी, प्रदेश की राजधानी। हिमांशु, किस तरह का माहौल देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आप सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छा है। सभी केंद्रों पर मतदान शुरू हो चुका है, प्रातः 7 बजे से मतदान केंद्र चालू हो चुके हैं। लगातार काफी संख्या में जागरूक लोग मतदान करने आ रहे हैं। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार काफी संख्या में मतदान किया जा रहा है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी भारी तैनात किया गया है। यहाँ लगातार पुलिस प्रशासन भी लोगों की चेकिंग करने के बाद, पूछताछ करने के बाद ही, कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखने के बाद ही उनको एंट्री दी जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मतदान करने के लिए मतदाता बाहर लाइन लगा खड़े, अंदर पूरी तरह से व्यवस्था की गई है मतदान केंद्रों पे और सुबह 7 बजे से ही मतदान चालू हो चुका है। बिल्कुल, और हिमांशु, उत्साह जो है वो लोगों में साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि काफी संख्या में जो मतदाता हैं वो अभी से ही हमें दिख रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और वो भीड़ भी नजर आ रही है। आप इस वक्त कौन सी बूथ पर मौजूद है ये पहले बताइए हिमांशु। मैं 171 पश्चिम विधानसभा के बाहर खड़ा हूँ, कालीचरण डिग्री कॉलेज के बूथ है, जिसके अंदर आपके 8 बूथ आते हैं जी। 194 बूथ संख्या से लेकर 201 तक इसी बूथ पे मिलेंगे, 8 बूथ है कालीचरण डिग्री कॉलेज में।
तो अंजनी श्रीवास्तव यहाँ पर गठबंधन से है बीजेपी के साथ, वहीं सपा गठबंधन से अरमान खान है, बीएसपी से कायम रजा है, वहीं कांग्रेस से सहाना सिद्दीकी है। कांग्रेस का सबसे पहले मैं रुख करूंगी, क्योंकि लखनऊ में प्रियंका गांधी बढ़ चढ़कर रोड शो कर रही थी कुछ दिनों पहले ही, तो ऐसे में लग रहा था कि लखनऊ में कहीं ना कहीं कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई दशकों से जो कांग्रेस का यहां पर पलरा रहा है वो बहुत ही हल्का रहा है, कांग्रेस के खाते में सीटें नहीं जा रही है, तो ऐसे में क्या लग रहा है सहाना सिद्दीकी किस तरह का जोश उनके प्रति, उत्साह उनके प्रति मतदाताओं में दिखाई दे रहा है? मैम बिल्कुल, प्रियंका गांधी जी का एक संदेश है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसके बाद कांग्रेस से प्रत्याशी सहाना सिद्दीकी जी को पश्चिम विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया था, उसके भारी मात्रा में जोश तो दिख रहा है कार्यकर्ताओं में, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय 171 पश्चिम विधानसभा में खड़े, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मतदाता ज्यादा आ रहे हैं, अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी एक घंटा ही समय बीता है, आने वाले टाइम में किसकी विजय होगी ये तो 10 मार्च क्लियर होगा, किसके पाले में। हिमांशु जरा पीछे आपके कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत हो सकती है, क्योंकि काफी उत्साहित है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात हो सकती है, मेरे साथ कुछ लोग भी मतदाता जो वोट करके आए, मैं उनसे बात करूंगा। सबसे पहले आज आपने वोट दिया है, किस मुद्दे को लेकर के आपने आज अपना मतदान किया है, सुरक्षा के मुद्दे और क्या क्या, जो मौजूदा सरकार है उसके क्या काम से आप खुश हैं, कितना खुश हैं उसके? राष्ट्र हित में जो काम करेगा उसके साथ। तो बिल्कुल इन्होंने साफ तौर बताया है राष्ट्र और सुरक्षा के हित में, जो राष्ट्र हित के लिए काम करेगा और जो सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की पार्टी, जो भी पार्टी राष्ट्र हित की बात करेगा उसको इनका मतदान जाएगा। और भी हमारे साथ लोग बात करने के लिए, मैं उनसे भी बात करूंगा। सर आज आपने मतदान किया है, सबसे पहले तो आप एक जागरूक नागरिक, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज आपने मतदान किया है तो क्या कुछ मुद्दे को लेकर के आपने मतदान किया है? हाँ, उन्हीं के महिलाओं की, महिलाओं की सुरक्षा की बात की है तो सभी पार्टियां इस बार महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए ज्यादा जोश भर रही हैं। तो सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए महिलाओं की, तो साफ तौर पर बताया कि महिलाओं की सुरक्षा। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, क्योंकि युवाओं को काफी जोश इस बार देखा गया है, तो युवाओं से भी बात करेंगे कि उनका जोश इस बार किस प्रकार है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जरूरी भी है हिमांशु, क्योंकि युवाओं के अंदर सबसे बड़ा जो एक सवाल है वो ये है कि हमें रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार के ही दम पर हम यहाँ वोट करने के लिए आ रहे हैं, तो लखनऊ के जो युवा है वो क्या चाहते हैं वो भी जानने की कोशिश करें। बिल्कुल।